अपने दावों के मुताबिक रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा जैसी बुनियादी मांगे भले ही पूरी ना कर पाया हो, लेकिन यात्रियों की जेब ढीली करने की उसकी कोशिश जारी है। खबर है कि ऑनलाइन टिकट खरीदना एक बार फिर महंगा हो सकता है। रेलवे ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि उसे ऑनलाइन रेल टिकट पर सर्विस चार्ज लगाने की इजाजत दी जाए। रेलवे का तर्क है कि वो पहले से ही डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट दे रहा है, इसीलिए ऑनलाइन रेल टिकट पर सर्विस चार्ज की छूट को 30 जून से आगे ना बढ़ाया जाए। अगर वित्त मंत्रालय सिफारिश को मान लेता है तो फिर ऑनलाइन टिकट खरीदने पर यात्रियों को सर्विस चार्ज देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर 1 जुलाई से GST लागू हो जाता है तो एसी क्लास के यात्रियों को पहले की बजाय आधा फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। अब एसी क्लास में सफर करने वालों को 4.5% ही टैक्स देना होता है, जबकि GST लागू होने पर यह 5% हो जाएगा। रेल बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऑनलाइन रेल टिकट पर सर्विस चार्ज हटाने का ऐलान किया था। हालांकि उस वक्त वित्त मंत्री ने यह साफ नहीं किया था कि यह छूट कुछ अवधि के लिए है या फिर पूरे साल भर के लिए। इससे पहले सुरक्षा के नाम पर रेल सफर महंगा होने की बात सामने आ चुकी है। रेलवे यात्रियों पर सेफ्टी सेस लगाने पर विचार कर रहा है। खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा था कि यात्रियों को रेल सेफ्टी फंड में योगदान देना चाहिए। पिछले बजट में रेलवे सेफ्टी के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के रेल सेफ्टी फंड का ऐलान हुआ था। ये राशि 5 साल के लिए थी, यानी हर साल 20,000 करोड़ रुपए। इस फंड में से 5,000 करोड़ रुपए हर साल वित्त मंत्रालय देगा और कुछ हिस्सा सेंट्रल रोड फंड से आएगा, लेकिन बाकी 5,000 करोड़ खुद रेलवे को जुटाना है। ऐसे में रेलवे सेफ्टी सेस लगाने पर विचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।